अमेरिका को नजरअंदाज करके S-400 खरीदने का फैसला लेकर भारत ने रूस के साथ अपनी सैन्य पार्टनरशिप को भी बरकरार रखा है, क्योंकि रूस हथियार खरीद के मामले में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है। द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी AIPRI की रिपोर्ट के अनुसार साल 2013 से 2017 की अवधि में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था। भारत का आयात अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के आयात का करीब 12% है। 2013 से 2017 के दौरान कुल आयात का 62% हथियार भारत ने रूस से आयात किया। इसके बाद अमेरिका का स्थान है, जिसने भारत के रक्षा सौदों में 15% की आपूर्ति की, जबकि इस अवधि के दौरान भारत ने अपने सैन्य हथियारों का 11% हिस्सा इजराइल से खरीदा। जाहिर है भारत को हथियार निर्यात करने वाला रूस प्रमुख देश है, ये बात भी अमेरिका की नजरों में खटक रही होगी। लेकिन चाहे अमेरिका हो या पाकिस्तान, बात अगर देश की सुरक्षा की हो तो उससे समझौता नहीं किया जा सकता। इसी सोच के साथ भारत सरकार रूस के साथ S-400 डील फाइनल करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है, जिसका आधिकारिक ऐलान पुतिन और पीएम मोदी मिलकर करने वाले हैं। रूस के साथ S-400 डील होने के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश होगा जिसके पास ये मिसाइल सिस्टम होगा। इससे पहले चीन के साथ रूस ये डील कर चुका है। इसके अलावा तुर्की के साथ भी रूस की डील फाइनल स्टेज पर है और सऊदी अरब के साथ भी रूस की इस मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर बात चल रही है। और अब भारत और रूस के बीच S-400 की डील फाइनल होने वाली है। इसको लेकर पाकिस्तान की नींद उड़ना तो बनता है, लेकिन अमेरिका भी नहीं चाहता कि भारत रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम की डील करे, जिसकी वजह यह है कि अमेरिका ने क्रीमिया पर कब्जे और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप को लेकर रूस के खिलाफ अगस्त 2017 में कानून पास किया था। जनवरी 2018 से प्रभावी हो चुका यह अमेरिकी कानून उन देशों को रोकता है जो रूस के साथ हथियारों का सौदा करते हैं। इस कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वो उन देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सके जो रूस के साथ डिफेंस सौदे करते हैं। लेकिन अमेरिका के दबाव को नकारते हुए भारत ने रूस के साथ S-400 की डील का फैसला किया है, जिसके बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी ये बाद में पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान की नींद अभी से उड़ी हुई है। S-400 को दुनिया का सबसे प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जिसका दुश्मन के मिसाइल हमलों को रोकने में कोई सानी नहीं। जाहिर है इससे पाकिस्तान को तो चिढ़ लगनी ही थी। अभी तो भारत और रूस के बीच S-400 को लेकर डील साइन भी नहीं हुई और पाकिस्तान का रोना धोना शुरू हो गया। खैर, पाकिस्तान रोता है तो रोने दो, लेकिन बात यह है कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि भारत रूस से S-400 की डील करे, जिसके लिए उसने अपने उस कानून का हवाला दिया है जो रूस के दोस्त को अमेरिका का दुश्मन मानता है। वैसे रूस पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद चीन पहला देश था जिसने रूस से S-400 की डील की थी। चीन को तो रूस ने S-400 की डिलीवरी भी शुरू कर दी है और अब अमेरिका की अनदेखी करके भारत भी रूस से S-400 खरीदने के लिए डील पर मुहर लगाने वाला है। मॉस्को हैज कंफर्म्ड दैट इंडिया एंड रशिया विल गो अहेड विद द S-400 डील एंड दिस इज सिग्निफिकेंट बोथ फॉर द बायलैटरल रिलेशनशिप बिकॉज ऑलमोस्ट इन 2015 India had arrived at a determination that it needs this particular missile defense system and the negotiations have been going on. Zahir hai America se dosti ek taraf aur desh ki suraksha ek taraf. Yahi wajah hai ki America ki narazgi ki parwah kiye baghair Bharat ne S-400 ke liye Rus se haath milane ka faisla kiya hai. चार डिफरेंट तरह की मिसाइल्स हैं, डिफरेंट रेंजेस वाली मिसाइल्स हैं, बहुत नज़दीक दुश्मन के जहाज को उड़ाने से ले के बहुत दूर तक 600 किलोमीटर की दूरी तक की इसमें मिसाइल्स हैं। और जो छः मिसाइलें हैं डिफरेंट हाइट्स और डिफरेंट रेंज बैंड्स को कवर करती हैं। उसके इस सिस्टम के आने से टोटल एयर डिफेंस कैपेबिलिटी भारत की बहुत बिग जंप मिलेगा, बहुत बड़ा बढ़ जाएगी। खबर तो ये भी है कि अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर भारत रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील साइन करता है तो अमेरिका भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए भारत ने इस डील पर मुहर लगाने का मन बना लिया है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम न खरीदे। अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित है कि S-400 मिसाइल सिस्टम में लगे सेंसर और रडार की वजह से भारत अमेरिका के लड़ाकू जेट विमानों का डाटा पता कर सकता है।
अमेरिका नाराज होता है तो हो जाए, देखा जाएगा। फिलहाल तो भारत और रूस के बीच S-400 डील पर मुहर लगने वाली है, जिसकी एक खास बात ये भी है कि भारत ने रूस के इस करार में ये शर्त भी रखी है कि पाकिस्तान को वो S-400 नहीं देगा। लेकिन शायद अभी तक पाकिस्तान को इस शर्त के बारे में पता नहीं चला है और वो इसी चिंता में मरा जा रहा है कि भारत ने अमेरिका की नाराजगी के बावजूद रूस से S-400 लेने का फैसला कैसे कर लिया। भारत रूस के साथ तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है, और ये बावजूद इसके कि अमेरिका ने उन्हें मना किया है और कहा है कि अमेरिका की सैंक्शंस के तहत वो ऐसी कार्रवाई ना करें। वैसे पाकिस्तान को रूस ही क्या बल्कि चीन को छोड़कर दुनिया का शायद ही कोई देश एयर डिफेंस सिस्टम देगा। हालांकि बात तो ये भी है कि पाकिस्तान के पास तो अपना सिर ढकने तक के पैसे नहीं हैं, तो वो एयर डिफेंस सिस्टम क्या खरीदेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।